हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का एक और नया पार्ट, जिसमें हम देखेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें डीआई के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो और रात को जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसकी वीडियो भी मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड की है मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उनकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो प्लीज यार एक लाइक करके मोटिवेट किया करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डीआई से और ये क्वेश्चन अभी आपका आरपीएफ का जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। किसी विशेष माह में एक कंपनी का विभिन्न मदों पर कुल व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर 60,000 रुपये है, तो जो कुल एक्सपेंडिचर वो कितना है, 60,000 रुपये है। और जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बताया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से खर्च किया जाता है, वो एक सर्कल के द्वारा बताया गया है और सर्कल आपका होता है 360 डिग्री का, यानी कि डिग्री में आपको बताया जा रहा है कि परिवहन पर 90 डिग्री खर्च किया जा रहा है, ठीक है, और कच्चे माल पर 90 डिग्री खर्च किया जा रहा है, ऊपरी व्यय पे 108 डिग्री खर्च किया जा रहा है और बिजली पर 72 डिग्री खर्च किया जा रहा है। अब इससे संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, वो क्वेश्चंस क्या है देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, यानी कि बिजली पर कितना एक्सपेंडिचर खर्च किया जाता है, पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर का यानी कि कुल खर्चे का कितना खर्च किया जाता है बिजली पर, वो प्रतिशत में आपको बताना है। भाई पूरा जो खर्चा करते हैं वो कितना करते हैं, 360 डिग्री करते हैं, यानी कि पूरा सर्कल है हमारा 360 का, यानी कि 360 डिग्री में से 72 डिग्री कितना प्रतिशत होगा। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे तो, बट एग्जाम में पूछा गया था और इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं डीआई में। अब देखिए 72/360 आप करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि 72 डिग्री आप बिजली पर खर्च करते हैं और टोटल खर्चा आपका कितना है, 360 डिग्री है, तो 360 में से 72 डिग्री कितना प्रतिशत होगा, तो 72/360 करेंगे, 72 से 360 जाएगा 5 बार और 5 से 100 जाएगा 20 बार, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा है ऊपरी व्यय की धनराशि क्या है, ऊपरी व्यय की धनराशि क्या है, ये भी देखिए बिल्कुल आप इजीली निकाल सकते हैं। ऊपरी व्यय पे कितना खर्च होता है, 108 डिग्री खर्च होता है, टोटल खर्चा आपका कितना है, 60,000 रुपये है, टोटल खर्चा आपका 60,000 रुपये है और यहाँ पे ऊपरी व्यय पे 108 डिग्री खर्च हो रहा है, तो टोटल खर्चा डिग्री में कितना है, 360 है, तो आप क्या करेंगे, इस 60,000 को 360 से तो भाग करेंगे और 108 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सिर्फ हमें 108 डिग्री की ही वैल्यू चाहिए, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 60,000 को आप 360 से भाग करेंगे, गुणा कर देंगे 108 से, 0 से 0 जाएगा, 36 से जाएगा 108, 3 बार 3 की मल्टीप्लाई 6,000 में करेंगे, 18,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि जो ऊपरी व्यय पर खर्चा होता है वो कितना होता है, 18,000, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप की डीआई अगर पूछी जाती है तो आप इजीली कर लेंगे, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डीआई का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं डीआई के और भी क्वेश्चन लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 विभिन्न कॉलेजों में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या हजारों में दे रखी है, यानी कि जो ये लिखा है आपका 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये हजारों में संख्या है, एक यानी कि ये आपका है बार ग्राफ वाला क्वेश्चन, और इसमें आपको बार के थ्रू और ये ग्राफ के थ्रू आपको बता रखा है लड़कियों की और लड़कों की संख्या, ठीक है। ये व्हाइट वाला आपका लड़कियों का हो जाएगा, ब्लैक वाला लड़कियों का हो जाएगा, 5 अलग अलग कॉलेजों की ये संख्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, वो आपको बताने हैं। ए वाला क्वेश्चन है, कॉलेज सी में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज सी कौन सा है, कॉलेज सी है ये, इसमें कुल विद्यार्थी यानी कि लड़के और लड़कियों की आपको संख्या बतानी है। लड़कियों की संख्या कितनी है, देखिए 20, यानी कि 20,000, ये हजारों में संख्या है, और या लड़कों की कितनी है, 30, यानी कि 30,000 ये, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 50,000, तो 50,000 पढ़ रहे हैं लड़के और लड़कियां, यानी कि कुल विद्यार्थी कॉलेज सी में 50,000 पढ़ रहे हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20 और 30 को आप प्लस करिए, 1,000 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हजारों में संख्या है, और 50,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। चलिए ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 वाला है आपका,
सभी कॉलेजों में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां अध्ययनरत है, यानी कि कितनी लड़कियां पढ़ती हैं सभी पांचों के पांच कॉलेजों में मिलाकर। तो इसको कैसे करेंगे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। बस आपको क्या करना है, लड़कियों वाले ग्राफ को देखना है। लड़कियों वाले ग्राफ में पहले वाले में ए 25 लड़कियां हैं, 25 प्लस कर लीजिए, फिर आप 30 प्लस करेंगे, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 20 प्लस करेंगे, यहाँ पे फिर 30 प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे आप इस वाले लास्ट वाले में कितना करेंगे, या इन दोनों के बीच में यानी कि 32.5 प्लस करेंगे। तो आप इन सभी को प्लस कर लेंगे, समझ में आया ना भाई। लड़कियों की हम संख्या निकाल रहे हैं क्वेश्चन बी में, यानी कि 25 और 30 और 20 और ये 30 और यहाँ पे 32.5 32.5, इन सभी को प्लस करके 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इन सभी को मैंने 25 30 20 30 और 32.5 को प्लस किया, 137.5 आया, गुणा कर देंगे 1000 से, तो कितना आ गया, 137,500 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सभी कॉलेजों की कुल लड़कियों को मिलाया जाए तो वह 137,500 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, कॉलेज ए में लड़कियों की संख्या और कॉलेज सी में लड़कों की संख्या में क्या अनुपात है। देखिए कॉलेज ए की हमें लड़कियों का लेना है मतलब वैल्यू, और कॉलेज सी में से लड़कों की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो कॉलेज ए में लड़कियों की कितनी वैल्यू है भाई, 25, और कॉलेज सी में लड़कों की कितनी है, 30। तो 25:30 आप करेंगे, यही तो होगा ना, तो 5×5=25 और 5×6=30, तो 5 और 6 का रेशो आपका आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे डीआई के। अगर समझ में आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम रही है या फिर चाहते हैं और मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 15% अधिक हो तो उस आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई आपको बतानी है। दोस्तों मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ, ठीक है, मैदान की जो चौड़ाई होगी मैं उसको x मीटर मान लेता हूँ, और मैदान की लंबाई क्या है, एक 15 मीटर अधिक है चौड़ाई से। तो मैं क्या करूँगा, x का 115% निकाल लूँगा, तो 115/100 मैं करके निकालूंगा तो कितना आएगा, 1.15x ये मेरा निकल के आ जाएगा। यानी कि मैदान की जो लंबाई है वो ये है और मैदान की चौड़ाई जो है वो x मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई सभी को पता है। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 460 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है ऊपर वाली लाइन में 460 वर्ग मीटर है आपका। तो जो क्षेत्रफल है उसको मैं लिखूंगा 1.15 मल्टीप्लाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 460 के। तो एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी, मतलब इसमें करेंगे हम 1.15x में, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 460 डिवाइड कर देंगे 1.15 से, ये जाएगा आपका कितनी बार, 400 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 400 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 मीटर, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर होता है 400, तो एक्स की वैल्यू आपकी 20 मीटर आ गई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक्स की वैल्यू मीन्स आपका मैदान की चौड़ाई आपको मिल चुकी है और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों समझ में आता जाए तो बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक पुरुष की गति एक बाइसिकल की गति का 3/4 है, बाइसिकल 8 सेकंड में 192 मीटर तय करती है, पुरुष को 54 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। भाई यहाँ पे जो बताया गया है पुरुष और बाइसिकल की गति का अनुपात बताया गया है बेसिकली, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे बोला जा रहा है पुरुष की गति एक बाइसिकल की गति से 3/4 है, इसका मतलब बाइसिकल की गति 4 होगी और पुरुष की गति 3 होगी। तो मैन और जो बाइक है बाइसिकल है मैंने उसको क्या लिख दिया, 3:4 के रेशो में लिख दिया, इनका रेशो मुझे पता चल गया 3 और 4 का रेशो है। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे बाइसिकल का जो है 8 सेकंड में 192 मीटर को पार करती है, तय करती है इतनी दूरी, तो इससे मैं यहाँ से चाल निकाल सकता हूँ। भाई बाइसिकल की चाल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, दूरी बटे समय, दूरी मेरे पास 192 है और समय कितना है 8 सेकंड है, तो 24 मीटर पर सेकंड की चाल से बाइसिकल चलती है, और बाइसिकल का रेशो कितना है 4 है। भाई इसकी चाल जो आई है वो 24 मीटर पर सेकंड आई है, और जो चाल का रेशो मैंने निकाला था सबसे पहली लाइन को पढ़ के, एक पुरुष की गति एक बाइसिकल की गति का 3/4 है, इसका मतलब क्या हुआ था, बाइसिकल की गति 4 होगी और पुरुष की गति 3 होगी। तो इन दोनों के बीच में चाल का रेशो क्या है, ये स्पीड का रेशो है कि 3 और 4।
अब यहाँ पे बाइसिकल की जो गति का रेशियो है वो 4 है, तो इसका मतलब आप किसका निकालना है, मैन की गति। तो 24 को 4 से मैं भाग कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका 18 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये आदमी जो है इस 54 मीटर को कितनी देर में कवर कर लेगा, तो आपको सीधा सीधा बस इतना ही करना है, क्योंकि स्पीड आपको पता चल गई, तो डिस्टेंस को आप स्पीड से भाग कर देंगे तो टाइम आपका निकल के आ जाएगा। तो 54 को 18 से भाग किया तो 3 सेकंड में इसको पार कर लेगा 54 मीटर को। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको मिक्सर एलिगेशन का जो रूल है उससे कराने वाला हूँ। आप पता नहीं किस मेथड से करते हैं, मुझे बताइएगा अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है, सभी श्रमिकों का, जितने भी उसमें काम करने वाले श्रमिक हैं उनका सभी का वेतन 8,000 है। 7 तकनीशियनों का जो औसत वेतन है वो 12,000 है, ठीक है, और शेष औसत वेतन 6,000 रुपये। भाई उसमें से जो 7 तकनीशियन जो हैं उसमें से 12,000 उनका वेतन है, और जो बचे हुए होंगे, जो टोटल श्रमिकों में से 7 का तो अलग बता दिया 12,000, और जो बचे हुए होंगे उनका 6,000 वेतन है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो श्रमिक होंगे जो भी होंगे उसमें से 7 का वेतन मुझे मिल गया 12,000 है औसत वेतन, और जो बचे हुए होंगे मैंने उनको एक्स मान लिया, बचे हुए को एक्स मान लिया, इसका मतलब जो बचे हुए हैं उनका 6,000 वेतन होगा। भाई एक एक स्टेप समझाऊंगा, समझ लीजिएगा ध्यान देके। 7 जो श्रमिक है तकनीशियन है उनका जो औसत वेतन है वो 12,000 रुपये है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और जो बचे हुए हैं उनका 6,000 है, इसका मतलब एक्स का 6,000 होगा, मैंने एक्स मान लिया कि एक्स नंबर होंगे वो, ठीक है। और जो सभी का औसत वेतन है वो कितना है 8,000 है, ये मैंने बीच में रख लिया। मिक्सर एलिगेशन का रूल यही कहता है कि अगर आपके पास 3 क्वांटिटी है जिसमें एक औसत वैल्यू होगी और जो 2 सेपरेट वैल्यू होगी, तो आप इस एलिगेशन मेथड को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, रेशियो, रेशियो मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 8,000, इसमें इसे से माइनस किया तो 2,000 आया, इसमें से इसे माइनस किया तो 4,000 आया, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो मिला 2:1 का। 7 वाले श्रमिकों का जो रेशियो है वो 1 है, और जो एक्स वाले श्रमिक है, जो बचे हुए श्रमिक है, उनका रेशियो 2 है। मुझे पता है कि जो ये 1 रेशियो मुझे मिला है किसके इक्वल है, ये 7 के इक्वल है। भाई ये जो रेशियो मेरे को मिला है ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। क्यों इक्वल है 7 के, क्योंकि यहाँ पे 7 श्रमिक है मुझे पता है। तो आप क्या करेंगे, 7 को 1 से भाग कर दोगे, 1 की वैल्यू आपको मिल गई, तो यहाँ पे आपको किसकी निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स जो नंबर है ये श्रमिक इनका रेशियो 2 है। तो 7 को 1 से भाग कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि कुल श्रमिक आपके निकल के आ जाएंगे 21। भाई 14 तो एक्स की वैल्यू निकल के आई ना, जो ये वाले श्रमिक हैं इनकी वैल्यू आपको पता चल गई और इन वालों की भी पता चल गई, तो कुल टोटल श्रमिक कितने हो जाएंगे, 14 + 7 = 21 हो जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक बनता है यार, लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ये आप मुझे बता दीजिएगा कि समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 4800 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है इसमें 4800 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। 4800 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ये आपको पता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 70 का देखा, पहले 60 का देखा, 50 का देखो, किसी का भी देखो, 60 का देखूंगा 3600 होता है, तो इसका मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। फिर मैंने 70 का देखा, 4900 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4900 8800 से बड़ा है, तो ये इसके बीच, इससे पहले भी कोई ऐसा नंबर है क्या जो इससे छोटा, मतलब इसको कंप्लीट वर्ग बना सके। तो मैंने देखा इससे पहले नंबर आते 69 का स्क्वायर कितना होता है 4761, तो इसका मतलब ये इससे छोटा हो गया, तो आपका राइट आंसर 4900 ही होगा। यानी कि जो भी आप देखें तो 70 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4900 ही आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपने कितना जोड़ना है कि ये पूरा एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये 4800 4900 का डिफरेंस कितना है 100, तो आप इसमें 100 प्लस करेंगे तो 4900 हो जाएगा, इसका मतलब आपको 100 ऐड करना है और ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9 महिलाएं एक काम को 19 दिन में पूरा करती है, इस काम को 18 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेगी। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको कभी भी ये पूछा जाता है कि इतने आदमी इतने दिन में काम कर लेते हैं, और फिर आदमी वही सेम यानी कि महिला हो चाहे आदमी हो, और महिला ही आपसे पूछ ली जाए कि कितने दिन में करेगी, तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, भाई 9 महिलाओं ने 19 दिन में काम किया तो कितना काम किया होगा, 9 महिलाएं 19 दिन में कितना काम कर सकती हैं, 9 × 19 कर देंगे 171 काम कर सकती हैं। अब यही 171 काम 18 महिलाओं से कराना है, तो आपको क्या करना है, 171 को 18 से भाग कर देना है तो 9.5 दिन आ जाएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में